subscribe to our YouTube channel Van Fin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Fin, discover opportunities, create wealth. खास गेस्ट है हमारे साथ बीएसई के एसएमई एक्सचेंज के हेड अजय ठाकुर साहब मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। ठाकुर साहब धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था आपके आने से पहले, तो तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कैपिटल मार्केट्स में। मैं देख रहा था कस्टोडियन से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक, और इनफैक्ट आप सबको बता दूं इस देश में एसएमई एक्सचेंजेस का चलन शुरू हुआ है। बीएससी एसएमई पहली थी और वो आप ही ने शायद सर एस्टैब्लिश करी थी। जी हाँ जी। कैसा रह रहा है अब तक का परफॉर्मेंस, ये सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें तो हमने अभी तक 240 कंपनियों को सूचीबद्ध कर दिया है और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। हमने कंपनियों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा है लिस्टिंग के बाद। और जो शुरुआत में एक हिचक थी लोगों में कि एसएमई प्लेटफॉर्म में आने के बाद शायद वो काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, और पहले भी ओटीसीआई वगैरह भी थी जिसकी हमने फेलियर की कहानी भी सुनी हुई है, तो वो हिचक थी लोगों में। लेकिन अभी हमने इन 5-6 सालों में ये साबित कर दिया है कि ये बहुत सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म रही है। 240 कंपनियां सूचीबद्ध हो चुकी है। ऐसा क्यों 2012 में एसएमई आपने शुरुआत करी थी? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक्चुअली बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बहुत स्टॉकिंग सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, है ना, खास तौर पे वो मार्केट मेकिंग को लेकर। तो उसमें क्या फर्क था और ये इतना सक्सेसफुल क्या हो गया? वो अहेड ऑफ टाइम्स था क्या? हाँ, वो अहेड ऑफ टाइम्स था। और अगर आप देखें तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थी, डिपॉजिट रिसीट थी। उस समय हमारी ऑनलाइन सिस्टम जो थी इतनी रोबस्ट नहीं थी। अभी आप देखते हैं कि ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थी। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि स्टॉक एक्सचेंज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज बीएसई थी, उसने ये एसएमई प्लेटफॉर्म का की शुरुआत की, और हमने जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को हमने लीवरेज की, और उसके चलते भी हमें काफ़ी मदद मिली। ये जब से बीएसई लिस्ट हुआ है ना, अब तो सब लोग बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं पोजिशनिंग, मार्केट शेयर। आई एम श्योर उस फाइट में आप लोग भी होंगे, आप तो पायनियर्स हैं, लीडर्स हैं स्पेस के। मैं पढ़ा था आपने कहा 240 कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी हैं, तो मार्केट शेयर एसएमई सेगमेंट में आपका कैसा है, किस तरह की पोजिशनिंग, किस तरह का होल्डिंग है? नहीं, काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग है हमारी। 70% ऑलमोस्ट मार्केट शेयर है बीएसई की एसएमई प्लेटफॉर्म की, और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। जितनी भी कंपनियां यहां पे लिस्ट हुई है उन्होंने अपना ग्रोथ काफ़ी दिखाया। जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आई, उससे बहुत सारी कंपनियां इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव हुई है। और जो पहले एक बहुत जो कंसंट्रेशन था महाराष्ट्र और गुजरात की कंपनियों की, अब वो हम देख रहे हैं कि देश में बहुत सारे स्टेट्स में अब इसकी जो है इसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और वहाँ से भी कंपनियाँ अब इस एसएमई प्लेटफॉर्म पे आ रही है। हमने देखा पंजाब से अभी कुछ दिन पहले कंपनी सूचीबद्ध हुई, हमने रायपुर से कंपनी अभी कुछ दिन पहले सूचीबद्ध की। तो इस तरह से जो अब है धीरे धीरे जो है दूसरे जो स्टेट्स हैं जहाँ पर हमने इन 6 सालों में करीब 600-700 इवेंट किए, अवेयरनेस क्रिएट की, उसका जो है रिजल्ट आ रहा है, एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ रही है। जो चार्टर अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हैं ये लोग भी काफ़ी सक्रिय हुए हैं, और इसका ये परिणाम है कि हम आने वाले दिनों में इसमें हम काफ़ी ज़्यादा रुझान देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो फैक्ट है, एसएमई एमएसएमई का महत्व अब लोग समझ रहे हैं, देश में इकोनॉमी के लिहाज से कितनी वाइटल इंपॉर्टेंस है उस पॉकेट की, और गिवन उनकी हेल्थ पैरामाउंट है। मुझे आप बताएं, क्योंकि आप लोग तो लगातार इंटरेक्ट करते होंगे, नब्ज़ जानते होंगे अब तो एसएमईज के, आई एम श्योर पिछले 4-5 सालों में क्या हालात हैं, ये जो बड़े पॉलिसी शिफ्ट हुए थे उससे उभर पाए हैं, और अब हालात कैसे हैं एसएमईज के? देखिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज था, कुछ समय तक तो थोड़ी अस्थिरता थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता आ चुकी है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने बुक्स वगैरह जो हैं काफ़ी अच्छे बना के रख लिए हैं, और क्लीनर बैलेंस शीट है, जो पहले लोगों में ये धारणा थी कि दो तरह की बैलेंस शीट बनती है, मेरे ख्याल से वो धारणाएँ ख़त्म हो रही है, और इससे हमारे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलने की संभावना है। आपने देखा इस साल भी जीडीपी ग्रोथ अब जो नया आया है वो 7.5% देखा है, तो मेरे ख्याल से ये एसएमई प्लेटफॉर्म पे इसकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहेगी इन एसएमई कंपनियों को आगे बढ़ाने। अच्छा, मुझे बताओ एसएमई प्लेटफॉर्म बीएससी एसएमई, एक तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है फंड रेजिंग के लिए अगर मैं एसएमई हूँ, दूसरा आप लोग मुझे लिस्ट कराते हो, ट्रेड कराते हो, इसके अलावा एक्सचेंज की भूमिका क्या है, बैकग्राउंड में इसके बियॉन्ड आप कहाँ कहाँ जाते हो? क्या देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें पता है कि इस देश में जो है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, तो हमें काफ़ी प्रमोटर्स को समझाना पड़ता है कि आप क्यों लिस्टिंग करो, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं,
आप अभी तक डेट फंड रेज कर रहे थे, अब इक्विटी फंड भी रेज कीजिए, तो इन सारी चीज़ों से और दूसरे जो एग्जांपल्स हर स्टेट से सेटअप हो रहे हैं उससे ये बहुत सारी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। अब एक चीज़ तो ये है कि कंप्लाइंसेस होते हैं, फिर क्या कहते हैं बॉडी, गवर्नमेंट उनकी गवर्निंग बॉडी बनती है, उनमें बहुत सारे ऑडिट्स वगैरह होते हैं, जो उनके मन में एक ये धारणा रहती है कि ये सारे कार्य करने बहुत कठिन है, वो धीरे धीरे इन धारणाओं से बाहर आते हैं। लिस्टिंग के बाद भी कितनी बार वो हमारे पास आते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, जो हम अच्छे अच्छे लोगों को कैसे अपनी कंपनी में लेके आए, तो उन सब चीज़ों पे भी वो हमारी सलाह लेते रहते हैं। और जानते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अभी तो बड़ा एंथुजियाज्म इस पूरे स्पेस में दिख रहा है, तो सीएनबी सेवास पे हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करने लगे हैं आजकल एसएमईज को, पाइपलाइन कैसी लग रही है यहाँ से, क्या और कंपनीज विलिंग होती हुई नज़र आ रही हैं इस प्लंज को लेने के लिए, इक्विटीज यहाँ से पैसा मोबिलाइज करने के लिए? 240 कंपनियाँ तो हमारे पास सूचीबद्ध हो चुकी है, 40 करीब 41 कंपनियों ने ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया है, तो ये 41 कंपनियों की तो पाइपलाइन फाइल करती हैं। आप बिहाइंड द कर्टन जाके ड्वेल भी करते हो इनके धंधे वंदे में? देखिए, हमारे पास हमने बैकग्राउंड चेक भी चलता है क्या? हमने एक इसमें प्रोसेस बना के रखा है जहाँ पे हमारे लोग जो है वहाँ जाते हैं, अच्छा, उनके बुक्स चेक करते हैं, उनके फोटो लेते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी है उनकी फोटो लेते हैं। इसके अलावा हमने लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी बना के रखी है जिसमें प्रमोटर्स की इंटरव्यू ली जाती है ताकि ये समझने के लिए कि ये जो कंपनियाँ हैं ये प्रॉपर कंपनियाँ हैं कि नहीं। तो इसके अलावा करते बेसिक स्कैन करते हैं, इसके अलावा जो मर्चेंट बैंकर्स की भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है क्योंकि फंड रेजिंग उनको करना है, शेयर होल्डर्स को लाना है, तो ये मिला चुला के एक स्टॉक एक्सचेंज और मर्चेंट बैंकर दोनों की भूमिका इसमें काफ़ी अहम होती है। हमारी पहली भूमिका होती है जहाँ पे हम थोड़ी स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन आगे चल के मर्चेंट बैंकर्स की भूमिका इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए क्योंकि हम जब छोटी कंपनी की बात करते हैं तो थोड़ा डर लग जाता है, तो आप लोग अपनी तरफ से एक स्कैन करते हो उसके बाद ही प्रेजेंट होती है। और देखिए, अगर आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पहले में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के लोगों में ये था और इंटरमीडिएट में के मन में भी शंका थी कि ये जो मार्केट मेकिंग है, ये 100% अंडर राइटिंग है, इन चीज़ों के चलते ये एसएमई प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होगी। हमारा ये हर हमेशा मानना था कि इस जो नियम है उसको आप डाइल्यूट ना करें, और उसके चलते जो ये कारण बनी कि एसएमई प्लेटफॉर्म ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। हाँ, नहीं, और मैं देख रहा हूँ तगड़ा परफॉर्मेंस है बीएसई एसएमई एक्सचेंज का और एसएमईज है ऑल टुगेदर, जो ये आईपीओज आ रहे हैं, बड़ा एंथुजियाज्म, छोटी छोटी कंपनीज के लिए एक बड़ा कैपिटल का एवेन्यू खुलता हुआ नजर आया। ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए। एसएमई कॉर्नर में आज के लिए इतना।